अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वेलकम टू रियलिटी टाइमलाइन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो इसके शौहर के घर वाले हैं वो भी कहते रहे हैं कि मेरे साथ कोई डिस्कशन ऐसी नहीं हुई। मैं पूछता रहा हूँ मेरी रोज से, नहीं अबू मैं तो ठीक हूँ, मुझे हंस के बता देती थी। मैंने एक हफ्ते की छुट्टी जाऊंगी, फिर मैं 6 माह की छुट्टी लेके, ये लफ्ज ने DPO साहब के भी कहे कि मैंने अप्लाई की, जब तक मेरा ट्रांसफर हुआ जाएगा फिर हम लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। डिवीजन में गई है सुबह, फिर उसके बाद अदालत में जो पेशियां थी वो करके सीधी घर आ गई है। मैंने कहा आज तो बेटा बहुत जल्दी आप आ गई है, कहते आप तबीयत बड़ी थकी थी, मैं कुछ सोना चाहती हूँ। फिर वो अपने ऊपर वाले रूम में अकेली चली गई है। आधे घंटे के बाद बड़ा शोर हुआ, एकदम नीचे आ गई है, गिर पड़ी है माँ अपनी के सामने, मुझे माफ कर दे अबू, मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दो, बच्चों को गोद में लिया और फिर हरमन टूटू को बुलाया है, वो रख के वहाँ हॉस्पिटल में ले गए। पुलिस के अमले ने, दूसरों ने बिल्कुल ऐसे ही अपनी बेटी समझ कर तवन किया है। आइंदा यही मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, जवान बच्चों को किस तरह की चीज हो वो माँ बाप से अजीज़ो कारब से शेयर किया करें, अपने दिल में लेकर ना बैठ जाए।